दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ आपको फेसबुक पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है जिसका नाम है लॉगिन अप्रूवल नीडेड। तो ये प्रॉब्लम आपको क्यों फेस करने को मिलती है आपके फेसबुक अकाउंट पे, तो ये सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है और बने रहना है वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप माहौलिया। वीडियो पूरा देखने के बाद आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो पहले समय वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप देख रहे हो टिप्स के लिए। दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम इनको भी अपने अकाउंट पे देखने को मिल रही है, तो इनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे मैं इनको बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से आपको देखने को मिलती है, क्या आप गलतियाँ हैं वो अपने अकाउंट पे करते हो जिसके वजह से आपका इस तरीके से अकाउंट लॉक कर दिया जाता है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सारा कुछ। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो सकता है आपको सही नॉलेज आप तक ना पहुंच पाए। तो आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और बने रहना है वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो देखिए इनके भी अकाउंट पे यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख पा रहे होंगे अप्रूव योर लॉगिन ऑन अनदर कंप्यूटर, ये वाली प्रॉब्लम इनके अकाउंट पे देखने को मिल रही है। तो ये क्यों देखने को मिलती है हमारे अकाउंट पे, यही सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ और इसे कैसे सॉल्व करोगे वो भी आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि इनको ये प्रॉब्लम क्यों फेस करने को मिली है इनके अकाउंट पे। हाँ सर बताइए कि आपने क्या किया था अपने अकाउंट पे जिस वजह से आपका इस तरीके से अकाउंट लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें और समझे। लास्ट बार मैंने अपना फेसबुक अकाउंट अपने फ्रेंड्स लोगों के मोबाइल में ओपन किया था, उसके बाद मेरे को पता नहीं ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करने को मिल रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को अपने फ्रेंड्स लोगों के फोन में अलग अलग फोन को यूज करते हो लॉगिन करने के लिए, तो आपका क्या होता है कि आईपी एड्रेस अलग होता है, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट स्क्रीन से लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि फेसबुक को लगता है कि आपके इस अकाउंट को और भी कोई यूज कर रहा है ओपन करके, यानी कि आपके विदाउट परमिशन, तो इस वजह से आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके इस अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने फेसबुक अकाउंट को आपको अलग अलग डिवाइस में यूज नहीं करना है, आपको केवल एक ही फोन एक ही लैपटॉप में आपको इस अपने अकाउंट को लॉगिन करना है ताकि आपका अकाउंट एक्सेस सेफ एंड सिक्योर रहे। और आपने क्या किया था अपने अकाउंट में ये बताइए। इसके अलावा तो और कुछ नहीं करता था बस। ठीक है, तो दोस्तों आपने सुना, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को अलग अलग डिवाइस में लॉगिन करते हो तो इसके वजह से आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो फेसबुक की सिक्योरिटी है वो काफी टाइट कर दी गई है, क्योंकि पहले आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती थी आपके फेसबुक अकाउंट में, लेकिन अभी आप अगर ऐसे करते हो तो आपके अकाउंट पे ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। हो सकता है कि आप अपने इस अकाउंट को कभी भी रिकवर ना कर पाओ, तो आपको ये गलती नहीं करनी है अपने अकाउंट पे। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपको उसी फोन या उसी लैपटॉप में अपने इस अकाउंट को फिर से लॉगिन करना है। आप ये गलती करते हो, आप अपने उसी फोन या लैपटॉप में फिर से लॉगिन नहीं करते हो, इसीलिए आपको यहाँ पे अप्रूवल भी नहीं मिलता है। तो आपको उसी फोन उसी कंप्यूटर में जहाँ पे आपने पहले इस अकाउंट को लॉगिन किया था वहीं पे आपको फिर से लॉगिन करना है, तभी आपका अकाउंट यहाँ से ओपन होगा, यानी कि आपको अप्रूवल मिलेगा। यहाँ पे आपको बताया भी जाता है कि आपने कौन से फोन या कंप्यूटर लैपटॉप में कहाँ पे कितने बजे कौन सी तारीख को आपने इस अकाउंट को लॉगिन किया था, वो इसलिए बताया जाता है कि आप फिर से उसी फोन या उसी लैपटॉप में फिर से अपने इस अकाउंट को लॉगिन कर पाओ। जब आप वहाँ पे लॉगिन करते हो तो आपको अप्रूवल मिलता है अपने इस अकाउंट को कंटिन्यू करने के लिए, तो आपको फिर से वही फोन या कंप्यूटर को यूज करना है, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। सर एक बात और पूछनी है, ये जो प्रॉब्लम आती है ये आती क्यों है फेसबुक अकाउंट पे? देखिए ये जो प्रॉब्लम है आपके फेसबुक अकाउंट में इसलिए देखने को मिलती है, फेसबुक को लगता है कि आपके इस अकाउंट को आपके अलावा भी कोई लॉगिन कर रहा है, यानी यूज कर रहा है, तो इस वजह से आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाता है। अगर आपके इस अकाउंट को इस तरीके से लॉक नहीं किया जाएगा तो हो सकता है आपको काफी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाए। ठीक है, तो आपके इस अकाउंट को इसीलिए लॉक किया जाता है ताकि आपका अकाउंट सेफ एंड सिक्योर रहे, ताकि आपके इस अकाउंट का कोई भी मिसयूज ना कर पाए। तो और आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो उनसे। बस तो दोस्तों अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है इस प्रॉब्लम के बारे में तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नॉलेज मिली है, तो आपको इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है, ताकि हमारे ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।